मैम मैंने यहाँ पे आने से पहले जिस दिन आपने कंफर्म किया कि आप हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी यूट्यूब पे पहले भी देखता था मैंने एक अलग प्रोस्पेक्टिव से उनको देखा आ, बहुत सारा आपका एजुकेशन वहाँ पे है लेकिन आपकी जो बैकग्राउंड है उसके बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताइए आप डेफिनेटली सर uh, एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती हूँ मेरे फादर गवर्नमेंट सर्विस में थे मदर गवर्नमेंट टीचर थी हम तीन बहनें हैं बस अच्छा पढ़ाई लिखाई करी सारा फोकस पढ़ाई लिखाई पे था परिवार में यही कहा जाता था बेटा पढ़ लो कभी बेटी नहीं बोला गया अच्छा बेटा बोला गया मतलब मेरे परिवार में मुझे कभी ये नहीं बताया गया कि तुम क्या नहीं कर सकती या अच्छा। तुम कुछ ऐसा है, है जो नहीं कर सकती अगर मेरे को जो सबसे बड़ी ताकत मिली वो इसी सोच से मिली जो मेरे फादर की थी अगर जैसे हमारे घर की छत पे छत के लिए सीढ़ियाँ नहीं थी और मान लीजिए दिवाली के वक्त एक बार जो सफाई होती थी तो पापा कहते थे चढ़ जाओ अच्छा हम कुछ 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 सीढ़ी लगा के कुछ कुछ करके चढ़ जाते थे छज्जे पे से उन्होंने कभी ये नहीं कहा क्योंकि भाई था नहीं तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये भैया भाई कर लेगा ये तुम नहीं करो हम बहने बहने थी और सब कुछ बहनों ने मिलकर के किया तो मैं उस बैकग्राउंड से आई हूँ जहाँ लड़कियों को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है जहाँ पे सपनों को बहुत मान्यता दी जाती है हमें पापा लगातार पिक्चर दिखाने ले जाते थे और फिर बताते थे देखो कैसा घर था ना उसमें देखो कैसी गाड़ी थी ना उसमें मतलब उन्होंने हमारे दिमाग में बात डाली कि अगर कोई गाड़ी तुम्हारे सामने से चल रही है तो तुम हीरो को साइड कर दो और उसकी ड्राइविंग सीट पर बैठे हो अच्छा हीरोइन को साइड नहीं, नहीं कराया अच्छा, अच्छा, फिल्म के हीरो पापा की हमारी टीचिंग थी फिर पढ़ाई लिखाई करी मैंने बी कॉम किया एम कॉम अच्छा, किया एम फिल करी यू जी सी नेट क्लियर किया पी एच डी करी आ, इंडिया के किसी भी कॉलेज में लेक्चरर बनने के लिए आपको या तो एम फिल होना चाहिए या यू जी सी नेट क्लियर होना चाहिए पी एच डी होनी चाहिए हमारी तो, एक सिमिलरिटी और है मैम मैंने डी यू से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया और उसके बाद मैंने नेट क्लियर किया था क्या बात है तो ये तीनों डिग्री मैंने ली फिर हमारे हिंदुस्तान में होता है पढ़ाई लिखाई हो गई तो अब शादी कर लो हाँ जी हाँ जी तो शादी के लिए रिश्ते आने लगे और जब अरुण भार्गव देखने आए मुझे तो बहुत जोर से हंसते थे अच्छा। थे थे हंस हंस रहे रहे बात बात पे बिना बात रहे थे। तो आई जस्ट थॉट कि इनकी हंसी के लिए कुछ भी किया जा सकता है अच्छा चलो इनसे शादी कर लो आपने नेगेटिव नहीं लिया उस चीज को कि भाई <laughs> देख के वैसे ही हंसे जा रहे हैं सर जब किसी चीज पे दिल आता है ना तो कुछ भी नेगेटिव नहीं लगता सब अच्छा ही लगता है सब अच्छा लगता है तो उनकी एक्चुअली उस

पैरालाइज रहे ओहो oh, oh, oh. और अभी दो साल पहले हमने उन्हें खो दिया सॉरी मैम एक्चुअली मुझे इसका बिल्कुल कोई, कोई बात नहीं देखिए कोई बात नहीं हंसी तो छीन ली बट इस बात का मुझे संतोष है वो ये है कि उनकी आखिरी सांस तक उस हंसी के लिए जो मैं कर सकती थी मैं कर पाई दैट्स ग्रेट मैम आई थिंक ये सक्सेस है और और मेर, मेरा मेरा ये मानना है मैम कि आ, मेरी लाइफ का है ना एक बड़ा इमोशनल मोमेंट है आपने उसको छेड़ दिया अपनी बात कह के मैं लाइफ में हम पांच भाई बहन हैं मैं सबसे बड़ा हूं तो मेरी जो मदर थी वो नहीं है इस दुनिया में उनका मेरे ऊपर बहुत विश्वास था जब हमारी फैमिली में अड़ोस पड़ोस में सब लोग गांव से शहर जाने लग गए मकान बनाने लग गए हम गांव में ही रहते थे पिताजी टीचर थे ज़्यादा इनकम नहीं थी पाँच भाई बहन थे हम तो मेरी माता हमेशा ही कहती थी कि मेरा बेटा बड़ा होकर देखना क्या करेगा और वो जो चीज़ है वो मुझे मोटिवेट करती थी और ऊपर वाले की ऊपर वाले की ऐसी आ, कुछ ऐसा क्या प्लानिंग है उसकी हम लोग नहीं जानते जब मैं लाइफ में स्ट्रगल कर रहा था उस समय मालूम चला कि उनकी दोनों किडनी में प्रॉब्लम है एक साल हमने उनको डायलिसिस पे रखा और मैं ये कहता हूँ कि अगर हमारे पास में उस समय अच्छा खासा पैसा होता तो शायद हम उनको कुछ साल तक बचा सकते थे और फिर वो इस दुनिया को छोड़ के हम सब लोगों को छोड़ के चली गई यहाँ से लेकिन मेरा ये मानना है कि आज अगर मैं सफल हूँ आज अगर सब कुछ मुझे ऊपर वाले ने दिया है तो मेरी मदर ऊपर बैठ के खुश हो रही होंगी कि मेरे बेटे ने जो मैं कहती थी उसको पूरा किया है और मेरा ये मानना है कि जितना बड़ा आपका नाम है और जितना आप लोगों के लिए कर रही हैं आप एक पथ प्रदर्शक का काम कर रहे हैं अरुण भार्गव जी जहाँ भी हैं उनको बहुत सुकून होगा बहुत खुशी होगी right. और वो बहुत प्राउड फील करते जीवन का एक मकसद होता है मोक्ष मिलता है हमारे right. प्लस चल रहे होते हैं हमारे माइनस चल रहे होते हैं कोई गणित है जो ऊपर कोई करता है कोई बैठा है कोई अकाउंटेंट वो जिंदगी के सारे प्लस सारे माइनस जब खत्म हो जाते हैं जब न्यूट्रल हो जाता है तो मोक्ष मिल जाता है तो अरुण भार्गव जी शायद उन्होंने जन्म लिया था उनके बहुत सारे प्लस बचे होंगे बहुत सारे माइनस बचे होंगे hmm. तो बहुत सुख भोगा हमने लोग right. सारी जिंदगी में जितने सुख नहीं पाते वो हमने छोटे से वो जो हमारे तेरह चौदह साल की जो हमारी मैरिड लाइफ हम जिसमें वो ठीक थे वो रहे उसमें सुख भी हमने सारे भोगे ये सारे देश विदेश गाड़ियाँ घर और हमारा व्यक्तिगत भी जो हमारे संबंध थे वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट रहे तो right वो right उनके right सारे प्लस हुए हमारे परिवार में बहुत सुख मेरे अपने लॉस के साथ बहुत अच्छे रिश्ते और सारे मतलब एक कहते हैं ना एक इंसान का आइडियल लाइफ जो होती है वो हमने उस समय लीड करी तो उन्होंने प्लस भी बहुत देखे राइट right, right. फिर माइनस भी बहुत देखे hmm. जब उनको हेमरेज हुआ उसके बाद hmm. तेरह साल का जो पैरालिसिस का जो पीरियड right, था उसमें right, right. तो माइनस भी देखे पर उस पीरियड में वो एक डेमो कर पाए वो hmm, right. तो डेमो ये था कि हर किसी को पैसे इनकम अर्न करनी चाहिए राइट राइट जो सर हम सुनते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का ये फीचर कि इसमें आप पैसे विनकम अर्न करने लगते हो आप रॉयल्टी कमाते हो आप आज मेहनत कर रहे हो पर वो मेहनत आपको पीढ़ी दर पीढ़ी काम आएगी हम सब थियोरेटिकली बुक में आपने सुना होगा राइट मैंने वो जिया है अरुण अच्छा, भार्गव जी और मैंने मिलकर के इस बिजनेस को किया फिर एक दिन डे सडनली उनको ये हेमरेज हुआ अगर मैं सिर्फ सिंपल हाउसवाइफ होती या वो खाली चार्टेड अकाउंटेंसी कर रहे होते तो क्या वो जो हॉस्पिटलाइज हुए वो तीन चार महीने जो हॉस्पिटल में जो कुछ हुआ क्या वो मैं निभा पाती क्या उसके बाद ये तेरह साल का जो रिहेबिलिटेशन चला मैं उसको क्या निभा पाती इंडस्ट्री की वजह से आप कर पाई इस इंडस्ट्री की वजह से कर पाई uh, हर महीने चेक घर आता था मैंने छह साल तो ऐसा था एक भी मीटिंग नहीं करी थी अच्छा मैं कोई ऐसा मैंने दरवाजा छोड़ा नहीं या मैंने माथा टेका नहीं हूँ अच्छा। कोई इलाज मैंने छोड़ा नहीं जो मैंने कराया नहीं हो क्यों क्योंकि मैं पैसे की तरफ से निश्चिंत थी हर महीने पैसा आ रहा हूँ छह सालों में आपने फील्ड में टाइम नहीं दिया कुछ नहीं नॉट ए सिंगल मीटिंग पैसा लगातार आता रहा हर महीने पैसा आता रहा और सर खाली पैसे की बात नहीं है इस बिजनेस ने मुझे सिचुएशन हैंडल करना सिखाया है आ, तो वो जो अटेंडेंट नर्स डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट स्पीच थेरेपिस्ट आ, ये किसी एक न्यूरो में जब किसी को न्यूरो प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको मैनेज करना अपने आप में एक सीईओ से बड़ा काम होता है सर मैम वो मैं अगर मैनेज कर पाई पॉजिटिवली मैनेज कर पाई और तो इतने लंबे समय तक लंबे समय तक और बिना नेगेटिव हुए मतलब ये बिजनेस ना आपको लाइफ से प्यार करा देता है ये बिजनेस आपको सेवा का सुख दिखा देता है हम सीख गए वो कि जब आप सेवा करते हो मतलब मुझे नहीं याद कि मैं तेरह साल में किसी ने मेरे चेहरे पे कभी कोई शिकन देखी जब भी मेरे को कोई चीज मैं उनको किसी तरह से परेशान होते देखती थी मैं सोचती थी सरोजनी नगर बमकांड जिस दिन अरुण जी को हेमरेज हुआ था नेक्स्ट डे सरोजनी नगर बमकांड हुआ था अच्छा, और okay. उसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे मतलब प्लास्टिक की थैलियों में उनकी लाशें आई थी पता है जब भी मुझे कोई चीज बुरी लगती थी तो मैं कहती थी सेवा कर रही है ना सुरेखा तेरा इतना नसीब तो है कि तुझे सेवा करने का सुख मिल रहा है ये सेवा का सुख ये टेस्ट ना इस बिजनेस ने कराया मुझे hmm. जब हम sure. किसी सेवा भाव से किसी को बताते हैं बिजनेस hmm. उसको हेल्प करते हैं उसकी हैंड होल्डिंग करते हैं उसको डेवलप करते हैं hmm. तो उसमें जो सुख आता है ना वो सुख हमें बार बार मिल रहा है hmm. अब हमें इसकी आदत हो गई है hmm. अब हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए hmm. that, that. ये सुख मेरे बड़ा काम आयाट मैम ये थे सुरेखा भार्गव एक बहुत बड़ी शख्सियत लाखों लोगों को जिन्होंने इंस्पायर किया है आपने काम जरूर करना है कि चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिए क्योंकि इससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आएगी और जो आप देखना चाहते हैं जिन लोगों को आप सुनना चाहते हैं नीचे कमेंट में जाके जरूर लिखिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद